हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? मैं अच्छी हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको मेरी चैनल में बहुत स्वागतम है। तो मैं आज अभी किचन में जा रही हूँ। ऑलमोस्ट घर का सारा काम हो चुका है, हाउस क्लीनिंग, बर्तन और कपड़ा सब कुछ क्लीनिंग हो चुका है। तो अभी मैं लंच के प्रिपरेशन करूँगी, तो आज बनाऊँगी मटन। तो चलिए मेरे साथ। तो ये है इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पे 500 मटन और यहाँ पे कुछ ऑनियन मैं काट के रखी हूँ। और यहाँ पे जो रखी है गार्लिक, जिंजर, ऑनियन, टमाटर, हरा मिर्च पेस्ट करेंगे। और यहाँ जो है ज़ीरा, धनिया मिक्स करके रखें, तेज़पत्ता और इलायची, लौंग, कश्मीर और फिर दालचीनी, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, यही सब। और यहाँ पे है टर्मरिक पाउडर। और यहाँ पे मैं घर में गरम मसाला खुद ही तैयार करती हूँ। ये है मेरा होममेड गरम मसाला, ये है नमक। तो इतना जितना इंग्रेडिएंट्स है मैं अभी इसमें पेस्ट कर लूँगी। और आगे आगे आप देखिए। और यहाँ पे पालक का साग, यहाँ हम धो के सारा वेजिटेबल्स दे के रखे हैं। और बैंगन को जो है फ्राई करके इसी में ऐड कर देंगे। तो मैं मटन को मैरिनेट करके रख चुकी हूँ, जितना मसाला था उससे मैरिनेट करके रख चुकी हूँ। और इधर मेरा पालक साग के लिए बैंगन ऑलरेडी भून रहे हैं। और ये पालक साग का जितना सब्जी देके मैं बनाऊँगी, तो इसमें थोड़ा सा नमक दे दिए उसमें और ऐसे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर। तो ये गाइस इसको ढककर होता है। और इधर मैं तेल चढ़ा दी, तो कढ़ाई गरम हो गया। एक एक इंग्रेडिएंट्स जो आपको दिखाए थे सारा खड़ा मसाला इसमें दे दिया। ये हल्का थोड़ा सा फ्राई हो गया, फ्राई हो गया, जितना ऑनियन है उसको दे देंगे। गाइस मेरा ऑलरेडी तैयार हो गया है। और ये है मटन जो मैं प्रेशर कुकर में अभी दे रही हूँ। मटन के लिए तो मैंने भूज के उठा के रखते हैं, इसको मैं बाद में ऐड करूँगी क्योंकि ये सिजा के उसके बाद भूज के रखें। और ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे राइस हो गया है। और उधर पालक का जो साग देखते हैं, देखते हैं, ये है पालक का साग, ये भी ऑलमोस्ट तैयार है। तो इसे अभी हम ढक देंगे। हे गाइस, तो मेरा ऑलरेडी मटन में सीटी पड़ चुका है, 5 या 6 सीटी है शायद। और मैं यहाँ पे मेरा राइस कंप्लीट कर रही हूँ, तो मैं राइस को पसा रही हूँ। मेरा राइस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो मेरा मटन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है गाइस। और मैं यहाँ पे एक बाउल में इसको सर्व कर दे रही हूँ। आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा। और इसका कलर भी बहुत अच्छा हुआ है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हुआ है। तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा। ये है आज का लंच, ये है मटन करी आलू देके। और इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। और गाइस ये है मेरा साग, वेजिटेबल्स देके सारा, और राइस भी ऑलमोस्ट रहे हैं आज, क्योंकि
हस्बैंड का तो ड्यूटी है, सो आज यही है हम लोग का लंच, मटन, मटन करी, राइस एंड पालंग का साग। हे गाइस, तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत मोटिवेट होता है जब आप लोग जब लाइक करते हैं तो, और अगर कुछ कमेंट करते हैं तो, और अगर हमसे कुछ भूल होता है बनाने में तो आप लोग भी मुझे गाइड कीजिए, क्योंकि एक तरफ से तो कुछ नहीं सीख सकते, अगर कोई कमी रहता है तो आप लोग भी हमको सजेशन दीजिए और वो सजेशन मैं फॉलो करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टाटा, लव यू टू ऑल।